नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएससी पुलिस भर्ती को लेकर कुछ साथियों के जो डाउट थे वो क्लियर करने बेहद ज़रूरी हैं। और साथियों, आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से भी लगातार, वैसे तो हम पहले भी साथियों न्यूज़ पहुँचाते रहे हैं, लेकिन आपने अगर पिछले 2-3 दिन से नोट किया हो, सबसे पहले या जो खबर ऐसी रहती है जो आपको कहीं नहीं मिल रही, वो डिजिटल फ्री शिक्षा यूट्यूब चैनल पर दी जा रही हैं। क्योंकि साथियों, युवाओं का एकमात्र विश्वसनीय चैनल है जो आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचाता है। अब इसलिए आप अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अपडेट विश्वसनीय चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी होगा। अब मुद्दे की बात पर आते हैं साथियों। पुलिस भर्ती की लिस्ट कल लिस्ट भी जारी हुई, आज से ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी जारी है। साथियों, सभी ज्वाइनिंग करने वाले युवाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए भविष्य के लिए वो आज ज्वाइनिंग करने वाले हैं और उनकी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, इसलिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुद्दा ये था साथियों कि कल जो लिस्ट जारी हुई थी, खबर सबसे पहले हमने बता दी थी कि कल शाम को ही, कि कल सुबह से 8 बजे मधुबन पहुँच जाएँ सभी कैंडिडेट। अब इसमें साथियों मुद्दा ये आया कि जो लिस्ट थी उसमें अब्सेंट कौन से साथियों, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड थे और उनकी बायोमेट्रिक, जब उनकी बायोमेट्रिक का प्रोसेस हुआ तब वो कैंडिडेट अब्सेंट रह गए। यानी कि बायोमेट्रिक में अब्सेंट कैंडिडेटों का लिस्ट में नाम क्यों है, ये काफ़ी कैंडिडेटों के मैसेज आने के बाद जब पता चला। तो साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक तो ये है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भर्ती कंप्लीट होने के बाद कोई रोल नहीं है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्ती कंप्लीट की और पुलिस डिपार्टमेंट को लिस्टें भेज दी। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग से पहले बायोमेट्रिक का प्रोसेस करवा रहा है। आपको पता होगा, ये 5 नंबर पॉइंट भी आप देख सकते हैं। यानी कि अगर अब्सेंट वाला कैंडिडेट उस समय अब्सेंट रह गया और अब भी अगर वो आया है तो अब्सेंट वाले कैंडिडेट को साथियों बायोमेट्रिक करवा के ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये देखिए साथियों, कैंडिडेट ओनली हुज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट आर फाउंड मैच्ड, बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है वो मैच होगी तभी उसका आगे का प्रोसेस है वो चलेगा। इसके अलावा साथियों, ये यूनिट वगैरह के नंबर दिए गए थे, ये आप देख सकते हैं। यानी कि ज्वाइनिंग से पहले जो प्रोसेस किया जा रहा है साथियों, वो प्रोसेस बायोमेट्रिक करवा के ही किया जा रहा है। बिना बायोमेट्रिक के किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। काफ़ी कैंडिडेटों के मैसेज आने के बाद ये जो कन्फर्म किया है, अब्सेंट वालों के रोल नंबर इसलिए दिए गए हैं कि उन कैंडिडेटों को एक ये मौका कह सकते हैं। और इसमें साथियों, एचएससी का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि भर्ती जब कंप्लीट हो जाती है तब से ही, आज से कुछ महीने पहले ही एचएससी का रोल ख़त्म हो गया था। कोर्ट केस की वजह से ये भर्ती लटकी हुई थी। फिलहाल साथियों, इस भर्ती के सभी कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग दी जा रही है। जो भी कैंडिडेट अब्सेंट था, अगर उसको वो ज्वाइनिंग तभी दी जाएगी जब उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो मैच होगी। तो साथियों, और अगर आपका कोई मन में डाउट चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और भर्तियों से रिलेटेड भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपना मैसेज है वो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए कि आपको किस भर्ती की जानकारी चाहिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।